नामांकन के दौरान छिपाया था आपराधिक इतिहास। कौशाम्बी जिला मुख्यालय मंझनपुर के चेयरमैन रहे मेहताब आलम की दावेदारी को शुक्रवार को अपर जिला जज चतुर्थ ने शून्य घोषित कर दिया। उनके आदेश के साथ ही मंझनपुर के चेयरमैन ही खतरे में पड़ गई। नगर पंचायत मंझनपुर के अध्यक्ष पद के लिए 2017 में चुनाव हुआ था। इस चुनाव में करीब एक दर्जन लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की थी, जिसमें बसपा प्रत्याशी रहे मेहताब आलम की जीत हुई। उनकी जीत को लेकर दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी शबी हैदर उर्फ मीनू ने जिला जज के न्यायालय में चुनौती दी। याचिकाकर्ता के वकील कुलदीप शुक्ला के अनुसार मेहताब आलम ने नामांकन के दौरान अपने आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं दी थी। जिला जज ने याचिका की सुनवाई के लिए अपर जिला जज चतुर्थ कमलेश कुमार पाठक की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। करीब दो साल से अधिक समय से ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। शुक्रवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए मेहताब आलम के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया। ये पिटीशन दाखिल हुई नगर पंचायत मंझनपुर का चुनाव याचिका, जो टाउन एरिया का चुनाव हुआ था, जिसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मेहताब आलम को निर्वाचन आयोग ने विजयी घोषित किया था। चूंकि उनका निर्वाचन नामांकन ही गलत था, उन्होंने अपने आपराधिक तत्वों को छिपाया था, उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष जो शपथ पत्र दिया उसमें झूठा शपथ पत्र दिया, और जो द्वितीय हमारे ये जिनके जिन ये याची हैं हमारे बगल में बैठे हैं सभी हैदर जी, ये दूसरे पोजीशन पर थे, मतदान भी इनके फेवर में 37 मतों से इनको जो है पराजित किया था। तो चूंकि उन्होंने नगर पालिका एक्ट की उन धाराओं का उल्लंघन करके उस अपने आपराधिक तत्वों को छिपाया था, इसी को केंद्र बिंदु मानते हुए न्यायालय ने उनके अध्यक्ष पद पर हुए जो उपचुनाव विजयी घोषित हुए थे, आज नल एंड वॉइड घोषित किया, उनको अकृत और शून्य घोषित कर दिया है। आज के बाद वो चेयरमैन के पद पर नहीं रहेंगे।